पाठ 12 शब्द भंडार। चाचू, आपने हमें शब्दों के बारे में बताया था ना? आज हमारे टीचर ने हमें और भी बहुत सारे शब्द बताए। हाँ चाचू, इतने सारे शब्द जानकर हमारा शब्द ज्ञान तो बढ़ ही गया, साथ ही हमें खूब आनंद भी आया। अच्छा, जरा मुझे भी तो इन शब्दों के बारे में कुछ बताओ। जरूर चाचू, क्यों नहीं, टीचर ने बताया। बच्चों, आज हम ढेर सारे शब्दों के बारे में जानेंगे। जानते हो, शब्द कई तरह के होते हैं। कुछ शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है, कुछ शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तो कुछ का अनेक। कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो कुछ शब्द एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं। मैडम, हम जल्दी से इन सभी शब्दों को जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, बताती हूँ। पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जिनका अर्थ लगभग एक सा ही होता है, लेकिन प्रयोग के आधार पर हर अर्थ में कुछ न कुछ अंतर अवश्य रहता है। जैसे पर्वत को पहाड़, गिरी, अचल भी कहते हैं। आओ कुछ और पर्यायवाची शब्द देखते हैं। अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आचार्य, अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक, असुर, दानव, निशाचर, दैत्य, अहंकार, अहम, गर्व, घमंड, आँख, नयन, नेत्र, चक्षु, आकाश, आसमान, गगन, नभ, आग, अग्नि, अनल, पावक, आम, आम्र, रसाल, पिकबंधु, आरंभ, शुरुआत, सूत्रपात, श्री गणेश, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, औरत, स्त्री, नारी, महिला, कमल, पंकज, अरविंद, राजीव, कोयल, कोकिला, पिक, वसंत दूज, क्रोध, गुस्सा, रोष, आक्रोश, गंगा, भागीरथी, जानवी, सुरसरिता, गणेश, गजानन, गणपति, लंबोदर, गाय, गौ, गौ, धेनु, घर, गृह, सदन, भवन, चतुराई, निपुणता, दक्षता, कुशलता, जल, पानी, नीर, अंबु, जलाशय, तालाब, सरोवर, ताल, दांत, दंत, दशन, द्विज, दास, नौकर, सेवक, परिचारक, धनुष, धनु, कमान, चाप, धरती, धरा, पृथ्वी, वसुधा, धूल, मिट्टी, गर्द, धूली। विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। उल्टे अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ विलोम शब्द हैं, अनुकूल, प्रतिकूल, अमीर, गरीब, अर्थ, अनर्थ, आजादी, गुलामी, आदर, अनादर, आदि, अंत, इच्छा, अनिच्छा, उचित, अनुचित, उन्नति, अवनति, उपकार, अपकार, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपस्थित, अनुपस्थित, चेतन, अचेतन या जड़, जन्म, मृत्यु, ज्ञान, अज्ञान, दंड, पुरस्कार, दोस्त, दुश्मन, धनी, निर्धन, धर्म, अधर्म, नया, पुराना, नवीन, प्राचीन, नूतन, पुरातन। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द।
कुछ शब्द पढ़ने में एकार्थी प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थों में कुछ अंतर अवश्य होता है।